कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें की, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने बलात्कार के अभियुक्त, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में। ये ऐसा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिससे यह साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो साबित हो गया है कि वो गलत हुआ, गैर कानूनी हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके पर अत्याचार हुआ, उस परिवार पर अत्याचार। एक 4-5 साल की बच्ची को जमीन पर देकर मार दिया, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना हो, कांग्रेस की विधवा बोलना हो, जर्सी गाय बोलना हो, सुपर्णखा बोलना हो एक महिला सांसद को, ये तमाम शब्द आप ही के हैं। असली नरेंद्र मोदी कौन है जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं, या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 अभियुक्तों को, आरोपी नहीं, अभियुक्तों को जेल से बाहर कर दिया, रिहा कर दिया। और ये केस और ये निर्णय, इसको हम आइसोलेशन में न देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाई देती है। कठुआ, उन्नाव, ये दो मील का पत्थर होंगे इस देश के इतिहास में और शर्मिंदा करते रहेंगे हम सबको जो राजनीति में हैं। ये मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और किसी कारण से कह रहा हूँ। पहली बार एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के ऑफिस बेयरर्स के कार्यकर्ता और उसके समर्थक सड़कों पर बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हुए नजर आए थे, जुलूस निकालते हुए नजर आए थे, नारे लगाते हुए सुनाई दिए थे। ये पहली बार हुआ इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में। और उसके बाद कल जो हुआ, कल हम तो नहीं, आप तो नहीं, लेकिन कुछ लोग अभी भी प्रधानमंत्री की मुंह से निकली हुई बातों को गंभीरता से लेते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें की, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। अब हम तो जिसको अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंभीरता से लेते हैं अभी भी इन बातों। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ, रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं, वो तो आरोपी होता है, अभियुक्त, दे वर कन्विक्टेड, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में। और नेचर ऑफ क्राइम, ये तीन पैरामीटर्स, ये तीन मापदंड गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग देखते हैं, उन्होंने कहा कल कि 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नेचर ऑफ क्राइम पर ही अगर हम अपनी बात को रखें सीमित, तो क्या बलात्कार उस कैटेगरी में नहीं आता, उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको? जितनी कड़ी सजा हो उतनी कम मानी जाती है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। या तो प्रधानमंत्री की सुननी लोगों ने बंद कर दी है, उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी सरकारों ने, या फिर प्रधानमंत्री जी देश को कुछ और कहते हैं और फोन उठाकर अपनी राज्य सरकारों को कुछ और कहते हैं। और ये ऐसा केस है बिल्किस बानो का
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया था और अभी कुछ साल पहले 2017 में दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था। यह ऐसा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिससे यह साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो साबित हो गया है कि वो गलत हुआ, गैरकानूनी हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके पर अत्याचार हुआ, उस परिवार पर अत्याचार हुआ। एक 4-5 साल की बच्ची को जमीन पर देकर मार दिया और जो गैंगरेप हुआ वो अलग। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कैसे होती है कि लाल किले पर खड़े होकर इस तरह की बातें करें। अब तो हैरानी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये ऐसा रोज कर देते हैं जो चौंका देता है, जो और दुखी कर देता है और विश्वास लोगों का सरकारों पर से खत्म कर देता है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती है कि या तो आप आकर बता दीजिए कि कल जो आपने लाल किले की प्राचीर से कहा था वो सिर्फ शब्द मात्र थे, उन शब्दों पर आपको खुद भरोसा नहीं था, क्योंकि आपका अपना इतिहास पिछले 8-10 साल का है जिसमें आप महिलाओं का सम्मान करते हुए बड़ी अच्छी तरह से सुनाई देते। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना हो, कांग्रेस की विधवा बोलना हो, जर्सी गाय बोलना हो, सुपर्णखा बोलना हो एक महिला सांसद को, ये तमाम शब्द आप ही के हैं। तो विल द रियल नरेंद्र मोदी स्टैंड अप प्लीज। असली नरेंद्र मोदी कौन है जो लाल किले की प्राचीर से आकर झूठ परोसते हैं, या जो अपनी ही गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहाई का आदेश दिलवाते हैं? कांग्रेस पार्टी और यह देश जानना चाहता है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, देश संविधान के आधार पर चलता है और हम हर सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वो संविधान को ही अपना मार्गदर्शक मानकर चलते होंगे। अगर कोई संविधान सम्मत निर्णय नहीं ले रहा है तो उनकी नीयत में क्या है वो मुझसे मत पूछिए आप। वो हमें और आपको सबको समझ में आ रहा है कि संविधान को यह आज भी उतना ही सम्मान करते जितना उस वक्त कर रहे थे जब ये बाबा साहब अंबेडकर जी लिख रहे थे ये संविधान। तब भी इनके मन में कोई सम्मान नहीं था संविधान के प्रति। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें कि जो उन्होंने कल लाल किले की प्राचीर से कहा वो सही था। अगर वो सही था तो जो गुजरात सरकार ने निर्णय लिया क्या वो भी सही है? दोनों में से एक चीज सही हो सकती है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो गलत क्या था, सही क्या था, प्रधानमंत्री स्पष्ट करें और गुजरात सरकार यह निर्णय वापस ले या प्रधानमंत्री लाल किले से बोले गए अपने शब्द वापस लें। दोनों में से एक चीज ही चल सकती है, दोनों नहीं चल सकती।